अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2022 में एडमिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं। ये कोर्सेज कौन कौन से हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कब तक आवेदन किया जा सकता है, ये सारी चीजों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, www.bhuonline.in पर। तो कुछ ऐसा प्रीफेस खुलेगा जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट कोर्सेस हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए गए हैं वो है RET, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन, एग्जेम्प्टेड भी और नॉन एग्जेम्प्टेड भी। इसके अलावा फिर एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड MPhil PhD प्रोग्राम, एप्लीकेशन फॉर इंटीग्रेटेड MPhil PhD एग्जेम्प्टेड प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन फॉर MPhil और एज वेल। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंसेस के लिए है और दूसरे में एग्जेम्प्टेड वाले के लिए भी है। अब हम इसके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट। देखिए, इस रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को साल 2021 में ही कंडक्ट करवाया जाना था, बट किसी कारण वर्ष ये नहीं हो पाया, इसलिए इसे 2022 में कंडक्ट करवाया जा रहा है। ये वैकेंसी पहले से ही इनफैक्ट पड़ी हुई है 2021 की ही। तो फॉर एडमिशन टू द PhD इंटीग्रेटेड MPhil PhD एंड MPhil प्रोग्राम्स, आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में PhD के लिए ऐसे हैं जिसका सिर्फ आपके नेट के स्कोर पर इंटरव्यू बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा के दिया जाता है। तो ये इनफैक्ट सारी फैकल्टीज में ये सारी सुविधाएं हैं। देखिए, इतने सारे मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर इतने लैंग्वेजेस हैं, या जो भी कोर्सेज, जो भी सब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं जिसमें आप PhD या MPhil करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हैं। कॉमर्स है, लॉ है, संस्कृत, विद्या धर्म विज्ञान है, सोशल साइंसेस है, साइंस है, मेडिसिन है, इसके अलावा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मैनेजमेंट स्टडीज है, सोशल साइंसेस है, संस्कृत, विद्या धर्म विज्ञान है, मेडिसिन है, विजुअल आर्ट्स है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, साइंस है। ऑलराइट, तो देयर आर लॉट मेनी कोर्सेस, यू कैन इमेजिन एनी ऑफ द कोर्स एंड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट PhD फैसिलिटी इज अवेलेबल इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सब्सिक्वेंटली आप अप्लाई करके और उसके लिए आगे जा सकते हैं, जिसके लिए RET यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको जाना होगा, तो यू कैन अप्लाई एंड डू दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। तो मिनिमम आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, इट इज रिटन इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेस। और कुछ एक कोर्स है जैसे कि मैनेजमेंट साइंसेस में, उनमें आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज एक्सेप्ट मैनेजमेंट साइंसेस ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेस हैज द एलिजिबिलिटी ऑफ 55% मार्क्स इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंट तिथि क्या है जब तक आप आवेदन कर सकते हैं। यहां तक जानने के लिए हमें इसे स्क्रॉल करके ऊपर की ओर बढ़ना होगा। लेट अस सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स अप टू व्हिच यू कैन अप्लाई। और इसकी एप्लीकेशन फी जो है वो 400 रुपीज ओनली है, और इसके एग्जाम के सेंटर भी है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में इसके सेंटर्स हैं, हर जगह एक या दो या तीन या उससे ज्यादा भी सिटीज में इसके सेंटर्स हैं। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो देख लीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ RET MPhil इंटीग्रेटेड MPhil 2021 ऑनलाइन फॉर्म एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल सबमिशन, तारीख जो है ये 20 तारीख से शुरू होता है, मतलब 20 जनवरी 2022 से, और अंतिम तिथि जो है इसकी अप्लाई करने की यह है 15/2/2022, यानी कि 15 फरवरी से पहले पहले आपको अपना आवेदन कर लेना है। और जैसा कि जानकारी है, एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग डेट जो है वो 9/3 से प्रारंभ हो जाएगा, 9/3 यानी कि 9 मार्च से, और जो डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है RET का या MPhil या इंटीग्रेटेड MPhil प्रोग्राम का, वो 16/2/2022 निर्धारित की गई है। तो ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए।
अगर पसंद आया तो लाइक भी कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।